तो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक फ़ोन आया हुआ है और ये है आपका Redmi 7A और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फ़ोन बंद चालू हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में फ़ोन में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी फ़ोन आता है बंद चालू कंडीशन में कि बंद हो रहा है चालू हो रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बटन का। ये बटन हो सकता है ख़राब हो, अगर बटन सही है बटन आपने नया डाल के देख लिया तो फिर आपको हो सकता है बैटरी ख़राब हो, बैटरी भी नया डाल के आप देख लिए और उसके बाद भी आपका फ़ोन बंद चालू हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो सकता है। और अभी यार रेडमी लिख के आ रहा है लेकिन रेडमी लिख के आने कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है, फिर चालू हो रहा है अपने फिर बंद हो रहा है, फिर कभी कभी चालू होकर रेडमी लिख के वैसे ही स्टक रहने लग रहा है, मतलब खुल ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे उसको सॉल्व करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा इसको फ्लैश करके देखना, अगर फ्लैशिंग से फ़ोन सही नहीं होता है तो फिर हम इसका ISP पिन आउट से इसका हम हेल्थ चेक करके हेल्थ रिपेयर करके देखेंगे, क्योंकि ये क्वालकॉम CPU है तो इसका जो EMMC है वो आप डायरेक्टली हेल्थ भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि MediaTek में डायरेक्टली USB से भी हेल्थ चेक हो जाता है और हेल्थ रिपेयर भी आजकल हो रहा है, बट यहाँ पे MediaTek का CPU नहीं है, इसमें क्वालकॉम का है तो ऐसे में हम उसको नहीं कर सकते। और इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपके कॉम्बो के पत्ते के बाजू में यहाँ पे इसका ideal पॉइंट है, तो इसी को शॉर्ट करके हम इसको पहले फ्लैश करके देखते हैं और फ्लैश करने के बाद अगर हमारा काम हो गया तो फिर हमको ISP करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्लैश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड मल्टी टूल और एंड्रॉइड मल्टी टूल की मदद से हम इसको फ्लैश करने वाले हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड मल्टी टूल के अंदर आपको सब कुछ फ्लैश करके दिखाऊंगा मैं, तो सबसे पहले हम इसका सर्च कर लेते हैं ideal पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ideal पॉइंट और आप लोग देख लीजिए इसका ideal पॉइंट कहाँ है। इसके बाद हम इसका फ्लैश फाइल सर्च करके आपको दिखाए थे, चूंकि हमने पहले से ही फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखा है। एक्चुअली इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सबसे पहला तो ये कि अगर फ़ोन में इस तरह की कंडीशन आ रही है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हो, दूसरा चीज़ आपको ये सीखने को मिलेगा कि एंड्रॉइड मल्टी टूल कैसे आपको यूज करना है, कैसे उसमें फ्लैशिंग का ऑप्शन आता है क्या आता है, क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मॉडल ब्रांड तो फ्लैशिंग वगैरह सब कहाँ से होगा। तीसरी चीज़ कि आप अगर मान के चलिए फ्लैशिंग कर देते हो तो आपका ये फ़ोन सही होगा कि नहीं होगा लास्ट में आपको पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, एंड्रॉइड मल्टी टूल के यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसका मैंने पूरा डिटेल बता रखा है कैसे आप एंड्रॉइड मल्टी टूल खरीद सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, पहला तो आप डिवाइस लिस्ट और यहाँ पे इसका नेम मॉडल नेम। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने मॉडल नेम सर्च किया यहाँ पे चार ऑप्शन आ गए, फैक्ट्री रिसेट करना है कि आपको FRP भी करना है कि क्या करना है। तो हमने फ्लैशिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका स्कैटर फाइल, मतलब स्कैटर फाइल नहीं होता है इसमें तो आपका प्रोग्राम फाइल होता है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम 0 सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं सारी फाइलें इसकी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट ही रहने देना, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस यहाँ पे हमको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अगर आपको FRP वगैरह रिसेट करना है या फिर उसमें फॉर्मेट करना है तो सारी चीज़ें नीचे ऑप्शन आ रही है उसको भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमें सॉफ्टवेयर इसका पूरा जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको हम डाल के देखते हैं। तो यहाँ से वीडियो को हमने कर लिया है फास्ट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे समय थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, तो जब तक ये फ़ोन फ्लैश हो रहा है तब तक अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, क्योंकि चैनल पे बस इसी से टॉपिक मतलब इसी टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर। कोई भी ऐसा फालतू वीडियो हमने नहीं डाला है कि आपका टाइम वेस्ट हो किसी भी चीज़ में, तो आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल इसका लिंक मैं दे दूंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो एंड्रॉइड मल्टी टूल को, मतलब यूज़ तो करना मैंने बता ही दिया, कैसे आप इसको खरीद सकते हैं क्योंकि इसका खरीदने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसके रिटेलर कौन से हैं सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको वीडियो को देख के समझ लीजिएगा और रिटेलर से कॉन्टेक्ट करके आप इसको चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि अभी के डेट में SPD के लिए तो सबसे तगड़ा टूल है, चाहे कितना भी लेटेस्ट सिक्योरिटी हो। बाकी MediaTek क्वालकॉम सारे ही टूलों मतलब सारे ही CPU में ये काम आता है और लेटेस्ट फ़ोन के लिए तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ मन में डाउट आ रहा होगा आप लोगों का कि Vivo का भी जो MTK सिक्योरिटी चल रहा है उसमें तो थोड़ा सा ये टूल अभी काम नहीं कर रहा है, बाकी सभी फ़ोनों को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि Vivo का नया सिक्योरिटी फ़ोन है तो उसी को अनलॉक नहीं कर पा रहा है, बाकी पुराने फ़ोनों को अनलॉक करता है, सारे ही ब्रांड इसमें काम आ जाते हैं अनलॉक हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत आता है Vivo का जो नया सिक्योरिटी MTK वाला चल रहा है और इसमें क्या है कोई भी टूल नहीं करके दे पा रहे हैं अभी के डेट में। बहुत जल्द उस पर अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल है मोबाइल रिपेयरिंग में, अगर आप चाहते हैं कुछ बताना सीखना तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस वीडियो आप लोग सभी लोगों के लिए बना देंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे ही कंप्लीट होगी हम देखते हैं फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये बंद चालू हो रहा था, कभी कभी स्टॉक हो जा रहा था
तो ऐसे में ज़्यादातर चांस होता है कि आपका फ़ोन का फ्लैश करने से सही हो जाए फ़ोन, क्योंकि हमने पहले ही इसका बटन बैटरी सब चेंज करके देख लिया था। बटन बैटरी चेंज करने के बाद भी अगर फ़ोन में ये सब कंडीशन आ रहा है तो हार्डवेयर छेड़ने से पहले सीधा सीधा आपको पहले फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद से आपको अगर फ़ोन चालू नहीं हो रहा है तब आप एक बार देख सकते हैं हार्डवेयर में, या फिर हो सकता है कि आपका EMMC हेल्थ वगैरह ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें अब क्वालकॉम में थोड़ी दिक्कत चली जाती है कि अगर आपका सारा ऑप्शन करने के बाद भी फ़ोन चालू नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन फ्लैश करने के बाद से अभी फ़ोन हमारा चालू हो चुका है और प्रॉपर ये फ़ोन ऑन भी हो रहा है। मतलब मैंने इसको भी ऑन करके देखा था, चालू हो गया है कम्प्लीटली। तो कहने का कुल मिला जुला का मतलब ये है कि हमारा फ़ोन फ्लैशिंग से सही हो गया। तो कभी भी आपके पास अगर फ़ोन आता है तो सबसे पहला काम होगा बटन चेंज करना, दूसरा काम होगा बैटरी, तीसरा काम होगा आपको फ्लैश करके देखना, और चौथा काम होगा जब फ्लैश करने के बाद भी फ़ोन चालू नहीं होता है तब फिर आपको इसका हेल्थ रिपेयर करना है। तो ये रेडमी का 7 का फ़ोन है, तो काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे इसको ओपन होने में, देखते हैं। बट ये ओपन हो रहा है कुल मिला जुला करके। ये देखिए यहाँ पे अगर इस लोगों तक पहुँच गया मतलब आपका फ़ोन 100% ऑन होगा। पहला लोगों पर रुका है मतलब आपका सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर दोनों से दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ तक पहुँच गया मतलब ये सही है। और अब देखिए ये फ़ोन चालू भी हो गया। अब इसका हम सिंपल सा सेटअप कर लेंगे, क्योंकि इसका जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो इसमें FRP वगैरह सब कुछ हट जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। यहाँ पर हम इसका जब सेटअप करेंगे तो आप देखेंगे तो ये सारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।